नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन आपके सामने दुनिया की सबसे पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक लुई एल हे की यू कैन हील योर लाइफ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लुई एल हे ने अपने कैंसर को सेल्फ हेल्प, सेल्फ लव और अपने माइंड पर काम करके ठीक किया और उन्होंने अपने कोर्स से, अपने बुक से करोड़ों लोगों को हेल्प पहुंचाया है। 35 साल पहले यह लिखी गई बुक अब तक 35 से अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। ऐसा क्या है इस बुक में जिससे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है? परिवर्तन के इस सीजन में हम इस बुक की टीचिंग्स को चैप्टर वाइज समझेंगे। पहले लुई हे के बारे में थोड़ा हम जान लें। लुई हे का जीवन बहुत अप और डाउन से भरा हुआ है। जब वो टीनेज थी तब उनके जीवन में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। बाद में उनकी मैरिड लाइफ 14 साल के बाद अचानक से टूट गई। कई बार उनके जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब बहुत सारे लोग टूट के बिखर जाते हैं। हर बार लुई हे किसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाती रही और फिर 50s में उनको सर्विक्स कैंसर, वजाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ। वो अध्यात्म की, सेल्फ हेल्प के कुछ चीजों को सुना करती थी, प्रैक्टिस किया करती थी। जब उनके जीवन में कैंसर की डायग्नोसिस हुई तब उन्हें लगा कि जिन चीजों को मैं सुन रही हूं उन्हें एक्चुअल में प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। जब लुई एल हे को कैंसर डायग्नोज हुआ तो उनके फ्रेंड्स ने कहा, लुई, कैंसर से तो तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम इतना आध्यात्मिक हो, जिन बातों को तुमने पढ़ा है उसको अपने प्रैक्टिस में उतारो, अफर्मेशंस को, ऑल इज वेल, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इस अफर्मेशन को दिन में 500 बार 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 बोलकर अपने आप को ठीक कर लिया। ये एक मेडिकल मिरेकल है, चमत्कार। अपने माइंड पे काम करके कैंसर को ठीक किया जा सकता है, एक असंभव से दिखने वाली बात, क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया था। लुई हे अपने आप को ठीक करने के बाद उनके मन में आया कि क्यों ना मैं दूसरों को हेल्प करूं, तो उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को लिखना शुरू किया और पहले एक छोटी सी बुकलेट निकाली। यह बुक कोई पब्लिशर तो छापेगा नहीं, तो उन्होंने इसे खुद से सेल्फ पब्लिश करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन दिनों 80s में बुक स्टोर्स में सेल्फ हेल्प का सेक्शन भी नहीं हुआ करता था। जब वो अपने एक टीचर कम फ्रेंड से मिली और उन्हें बताया कि मैं बुक निकाल रही हूं, उन्होंने कहा, कितनी कॉपीज निकाल रही हो? 500? लुई एल हे जवाब देती हैं, 5000, 5000। अरे क्या, 5000 कॉपी? बोले हां। और बहुत कम समय में उनकी ये कॉपीज बिक गई। हील योर लाइफ नाम से उनका यह बुकलेट लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने इसे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में बांटना शुरू किया और माउथ ऑफ पब्लिसिटी से ही यह बुक पॉपुलर होती गई। लुई हे ने अपनी बुक्स को पब्लिश करने के लिए जो हे हाउस खोला,
आज वो 35 देशों में चल रही है। 100 से अधिक ऑथर की किताबें वो छापता है। पूरी दुनिया में सेल्फ हेल्प के मामले में हे हाउस एक बड़ा नाम है बुक पब्लिशिंग के क्षेत्र में। जितने भी पॉपुलर सेल्फ हेल्प ऑथर हैं, वेन डायर, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्रॉने, सभी की किताबें हे हाउस से आती हैं। लुई हे कि यू कैन हील योर लाइफ, इतनी चमत्कारिक, इतनी पावरफुल बुक, उनके जीवन का सार जो उन्होंने जीवन में जिया। इस किताब को शुरुआत करते हुए वो कहती हैं, जिसको मैंने अपने जीवन में जिया है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूं, वही मैंने इस किताब में लिखा है। लुई हे वर्कशॉप भी लेती रही। उनके 1 वीक के वर्कशॉप में, मिनी वर्कशॉप, 3 दिन के वर्कशॉप में जो सीक्वेंस होता है कॉन्सेप्ट्स को बताने का, वही सीक्वेंस इन्होंने इस बुक में मेंटेन किया है। और लुई हे कहती हैं, अगर आप इनको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाएंगे, एक चैप्टर पर 2-3 दिन का समय लगाएं, उस पर पढ़ें, उसको चिंतन करें, जो बात अच्छी लग रही है उसे अपने जीवन में उतारें, आपके जीवन में परिवर्तन होना गारंटेड है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक के कंटेंट को। इसमें लुई हे ने किन बातों का समावेश किया है, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग से ही देखते हैं। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन, ये एक पॉसिबिलिटी को बताता है। अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो हम लाइफ में ग्रो करते हैं। अगर हम हमारे मन में है कि मैं आगे बढ़ सकती हूं तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर आपके पास यह सोच है कि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकती हूं तो बदलाव होगा, परिवर्तन संभव है। जीवन में सबसे अधिक बड़ी बात तो ये होप है कि चेंज इज पॉसिबल। मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं, जिंदगी ठीक हो सकती है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। हेडिंग से तो यह बुक लगती है कि यह हीलिंग के लिए है, लेकिन यह सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं, हमारी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को, 360 डिग्री ऑफ लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सभी एस्पेक्ट्स में बदलाव हो सकता है अगर हम इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और जीवन में उतारते हैं। तो सबसे पहली बात, बदलने की तैयारी। कभी भी जीवन में यह सोच ना रखें कि यह ठीक नहीं हो सकता, मैं बदल नहीं सकता, मेरी आदत ये चेंज नहीं हो सकती, ऐसी सोच कभी ना रखें। लुई एल हे माइंडसेट को बदलने के लिए अफर्मेशंस, विधायक सोच की बात करती है। जो परिवर्तन हमें चाहिए, उस परिवर्तन के लिए सकारात्मक वाक्य को वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, बार बार बोलना, सोचना और लिखना चाहिए। तो जो प्रैक्टिकल टेक्निक है वो अफर्मेशन है, सकारात्मक विधायक सोच। इस बुक की शुरुआत में ही लुई हे लिखती है, यह पुस्तक आपको आत्मशक्ति का ज्ञान कराएगी। आत्मशक्ति का ज्ञान, अगर हम आत्मशक्ति देखें तो यह एक तरह से आध्यात्मिक
बुक की तरफ लगती है। लेकिन यह प्रैक्टिकल बुक है कि यह आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास को जगाती है कि मैं अपने खुद की शक्ति से अपने जीवन को बदल सकता हूं। आत्मशक्ति का एहसास और आत्म प्रेम, खुद से प्रेम को जगाना, आत्म स्वीकृति, खुद को स्वीकार करना, कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो हम इस बात को समझ ले, परिवर्तन संभव है, हीलिंग हो सकती है और स्वयं आपके द्वारा हो सकती है। यू कैन हील योर लाइफ। हीलिंग किसी बाहरी एजेंट से, किसी बाहरी माध्यम के कारण नहीं होती, किसी डॉक्टर के कारण, किसी गुरु के कारण नहीं होती। हीलिंग हमेशा स्वयं के प्रयास से, स्वयं के द्वारा किए गए बदलाव से होती है। ऑल हीलिंग्स आर बेसिकली सेल्फ हीलिंग। सभी बदलाव वास्तव में खुद से किए गए बदलाव ही होते हैं। हाँ, कोई हमें थोड़ा हिंट दे सकता है, थोड़ा मोटिवेशन दे सकता है, जैसे यह पुस्तक आपको मोटिवेट कर सकती है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। इस पुस्तक के लेखिका लुई एलहे के जीवन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। लुई हे एक साधारण परिवार में जन्मी और उनके पेरेंट्स में आपस में रिश्ते ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें बचपन में काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और उनके बचपन में जब वो टीनेज थी तो उनके लाइफ में सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ, रेप भी हुआ। वो भागकर अपने जगह से एक बड़े शहर चली गई क्योंकि जीवन से वो बहुत परेशान थी। मॉडलिंग का उन्होंने करियर चूज किया और जिंदगी आगे बढ़ती रही। जीवन में कुछ साल फिर अच्छे भी आए, एक अच्छी मैरिड लाइफ 14 साल के लिए उनके जीवन में थी। उनको लग रहा था कि जीवन बढ़िया चल रहा है, लेकिन 14 साल के सक्सेसफुल मैरिज के बाद फिर उनकी लाइफ में डाइवोर्स भी आया। उन्होंने एक चर्च का सहारा लिया जहां पर लाइक माइंडेड लोग रिलीजियस प्रेयर के लिए आया करते थे। जिंदगी चल रही थी। 50s में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनके एक फ्रेंड ने, जो एक तरह से उनकी टीचर भी थी, उन्होंने कहा, लुई तुम इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तुम कैंसर से तो नहीं मर सकती। उस फ्रेंड का होप दिया हुआ था या लुई है कि अंदरूनी आत्मशक्ति। लुई हे ने हिम्मत नहीं हारी, अपने मन पर काम किया, खुद को प्यार करना शुरू किया और वो बिना किसी केमोथेरेपी के वो ठीक हो गई। यह चमत्कार अपने जीवन में खुद से हीलिंग को एक्सपीरियंस करना, उसको लोगों के साथ बांटने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी है। इस बुक का पहला संस्करण 1984 में आया, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और तब से अभी तक लगातार इसके संस्करण आते जा रहे हैं। मेरे हाथ में अभी जो कॉपी है यह 2022 इसी साल की छपी हुई है। ओरिजिनली इंग्लिश से प्रभात बुक्स के द्वारा ये हिंदी में आ रही है।
लुई हे ने अपनी पब्लिशिंग हाउस हे हाउस जो खोला, उसके 25 साल के पूरे होने पर एक मेगा सेलिब्रेशन किया और अपने लाइफ पर, अपनी टीचिंग पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, इसी नाम से यू कैन हील योर लाइफ। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। लुई हे के भीतर इस ज्ञान को चारों तरफ कई तरीकों से बांटने का एक जुनून है, जबरदस्त जज्बा है। अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन वो थ्रू आउट अपने लाइफ एक्टिवली पैसिवली इस टीचिंग को प्रमोट करती रही। हे हाउस में उन्होंने दूसरे ऑथर्स को भी, नए ऑथर्स को भी प्रमोट किया। लाइफ में एक बड़े मुकाम को पा लेने के बाद दूसरे लोगों को भी प्रमोट करने का यह एटीट्यूड लुई हे के जीवन का काबिले तारीफ है। लुई हे की इस बुक के अब हम चैप्टर के नाम पर चलते हैं। इस बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं। 16वें चैप्टर में उनकी अपनी कहानी है, जिसके काफी अंश को हमने सुन लिया है। लुई हे कहती हैं कि इसे अगर सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जाए तो यह ज्यादा अच्छा हेल्प कर सकता है। एक चैप्टर पे 2-3 दिन आपको बिताने चाहिए चिंतन मनन करते हुए। और लुई हे मिरर वर्क के बारे में बताती है। आप अपने घर में जिस आईने का भी प्रयोग करते हैं, उस आईने पर अपने लिए आप सेल्फ लव का, खुद से प्यार करने का अफर्मेशन लिख दें। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूं। सेल्फ लव सबसे पहली और सबसे मुख्य अफर्मेशन है, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो ही हम अपने आप को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो हम अपने आप को बदलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो किसी भी अफर्मेशन की शुरुआत सेल्फ लव से होती है। मैं खुद से प्रेम करता हूं। लाल रंग के स्केच पेन से या किसी भी चमकीले या अच्छे से पढ़े जाने वाले मार्कर से अपने मिरर पर आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्रेम करती हूं, आप अपने लिए अफर्मेशन अपने मिरर पर लिख लें। यह सबसे मुख्य अफर्मेशन है। सेल्फ लव जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी आप अपने लाइफ में बढ़ा सकते हैं। 24 घंटे के समय में आप कितना समय अपने आप को प्रेम करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, यह भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि आपके लाइफ में सेल्फ लव कितना अच्छा है। अगर सेल्फ लव प्रोफाउंड है तो आप जी तोड़ मेहनत करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जीवन को इम्प्रूव करने में। सेल्फ लव थोड़ा बहुत है तो हम थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि काश कोई चमत्कार हो जाए। सेल्फ लव तो वास्तव में चमत्कारिक है। अगर हम इसको ठीक से अपने लाइफ में लाते हैं तो लुई हे कहती हैं कि आपकी लाइफ में परिवर्तन होना गारंटेड है। लुई हे की इस बुक के जो 15 चैप्टर हैं, पहले चैप्टर में अपनी फिलॉसफी के बारे में बताते हुए हमारे जीवन में जो समस्या हैं उन समस्याओं की जड़ क्या है उसके बारे में दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर विचारों का कनेक्शन समस्याओं से, विचारों का रोल, वास्तव में विचार ही समस्या बनते हैं। आगे के चैप्टर, अगर हमारे लाइफ में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध आता है, अगर हमारा मन
जो कि आदतों का गुलाम होता है और वो नहीं बदलना चाहता है, तो क्या करें? परिवर्तन के प्रतिरोध को कैसे हटाएं? अपने लाइफ में परिवर्तन लाने के तरीकों को जब हम सीख लेते हैं, तो फिर इसको जीवन के हर एक आयाम में, स्वास्थ्य के आयाम में, अपने प्रोफेशन के आयाम में, अपने रिश्तों के आयाम में, अपने धन के आयाम में कैसे लगाया जाए, उसके लिए फिर बारी बारी से सारे चैप्टर्स, इनको हम एक एक करके देखेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। लुई हे की इस चमत्कारिक बुक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर्स को डिटेल में देखेंगे परिवर्तन के आगे के एपिसोड्स में। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।